हेलो एवरीवन माय सेल्फ मधुलिका रोहेला स्वागत है आपका मेरे चैनल मधुलिका रोहेला पर जहां मैं लेके आती हूँ आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्लास नाइन्थ का आईटी टी फोर ज़ीरो टू कोड का इलेक्ट्रॉनिक्स बेडशीट चैप्टर और उसका मैं लेके आई हूं आज पार्ट वन ये चैप्टर बहुत लेंदी है इसीलिए मैं आपको प्रॉपरली इसे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ बिकॉज अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम रह जाएगा इस चैप्टर में तो आपको क्लास टेंथ में प्रॉब्लम होगा तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए इसीलिए मैं आपको प्रॉपरली इस चैप्टर को यहाँ पर समझाऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर आज की वीडियो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू तो माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको क्लास नाइन्थ और टेंथ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगे मोबाइल पर किस तरह आप एम एस को यूज़ कर सकते हैं वो सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी और मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ए स्प्रेडशीट इज डिफाइंड एज ए लार्ज शीट विच कंटेन्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स तो रोज और कॉलम्स में अरेंज होता है डेटा स्प्रेडशीट उसे कहते हैं जैसे आपने कभी देखा होगा आपका अटेंडेंस रजिस्टर उसमें रोज और कॉलम्स होती हैं तो जो अटेंडेंस होती है वो रोज और कॉलम्स में स्टोर्ड होती है तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो डेली बेसिस पे अटेंडेंस दी जाती है वो रोज और कॉलम्स में स्टोर करी जाती है तो जो भी डेटा होता है जिसे टेबुलर फॉर्म में रखना होता है जैसे मार्कशीट हो गई, डेली के कोई डिटेल हो गई कोई बजट हो गया कोई भी न्यूमेरिक डेटा हो गया जिसे भी हमें टेबुलर फॉर्म में रखना है तो उसे हम स्प्रेडशीट के अंदर रखते हैं देयर आर डिफरेंट स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स अवेलेबल बहुत सारे स्प्रेडशीट के प्रोग्राम अवेलेबल हैं जैसे एम एस एक्सएल लोटस वन टू थ्री एट्सट्रा और कुछ फ्री और ओपन सोर्स भी हैं ओपन सोर्स प्रोग्राम्स वो होते हैं जिनकी प्रोग्राम के कोड ऑनलाइन ही मिल जाते हैं जैसे जीनोम ऑफिस स्प्रेडशीट जी न्यूमरिक के ऑफिस के स्प्रेड ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी कैल्क तो जो डिटेल्ड हम कोई भी वर्क कर सकते हैं न्यूमेरिकल डेटा पर वो हम स्प्रेड में कर सकते हैं और मार्केट में बहुत तरीके के स्प्रेडशीट हमें देखने को मिल जाते हैं किस तरह स्टार्ट करेंगे स्प्रेडशीट मेरे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है मेरे पास ओपन ऑफिस कैल्क था तो मैंने वो ओपन करके आपको दिखा दिया है कि किस तरह से ओपन होगा मैथर्ड वही होता है अगर आपके पास आइकन है तो डबल क्लिक कर लीजिए आप उसके ऊपर अगर आपके पास आइकन नहीं है तो सिंपल आपको क्या करना है स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है जो टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है उस पर क्लिक करना है एक पॉपअप विंडो खुलती है जिसे हम स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं वहाँ से आपको सेलेक्ट करना होता है स्प्रेडशीट को दिस इज़ अ सिंपल मेथड टू ओपन अ स्प्रेडशीट वर्कबुक वर्कबुक। एंड स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट फाइल फाइल इज़ नोन एज़ अ अगर माइक्रोसॉफ्ट की है तो उसकी डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन डिफरेंट होगी तो हर एक स्प्रेडशीट की एक्सटेंशन वो किस कंपनी की है उस पर डिपेंड करता है ईच वर्कबुक कैन कंटेन मैनीस ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैन बी इन अ सिंगल फाइल तो जैसे बुक होती है बुक में अलग अलग पेजेस होते हैं बिल्कुल ऐसे ही जो वर्क बुक होती है उसमें भी अलग अलग शीट्स होती हैं जिन्हें हम वर्कशीट कहते हैं बाई डिफॉल्ट तीन शीट्स आपको एक वर्कबुक में मिलती है मगर आप अप टू फिफ्टी फाइव तक वर्कशीट उसमें ऐड कर सकते हैं एक शीट में इतना इनफ स्पेस होता है कि आपका काम प्रॉपरली चल सकता है तो आप एक ही एक ही वर्क से रिलेटेड अलग अलग फाइल्स बनाने की जगह अलग अलग वर्कशीट बनाकर एक ही वर्कबुक में रख सकते हैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको अटेंडेंस तो अटेंडेंस आपको लेनी है जनवरी की फेबरिरी की मार्च की अप्रैल की वो सेम चीज़ है अटेंडेंस है एक क्लास की तो वर्कबुक बन जाएगी सपोज क्लास फिफ्थ और उसमें अलग अलग वर्कशीट्स एड हो जाएंगी तो बाई डिफॉल्ट हमें क्या मिलती है सिर्फ तीन वर्कशीट्स मिलती हैं एक वर्कबुक में रोज कॉलम्स एंड सेल्स द रोज इन अ वर्कशीट आर नंबर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग द लेफ्ट कॉलम ऑफ द वर्कशीट द कॉलम्स आर लेबल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद लेटर्स तो जितने भी ए बी सी डी लिखा होता है वर्कशीट में उन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स और नंबर्स लिखे होते हैं वन टू थ्री वो सारी होती है हमारी रोज हॉरिजोंटल होती हैं रोज और वर्टिकल होते हैं हमारे कॉलम्स ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ़ रोज एक्सेल में होती हैं सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी सिक्स और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स कॉलम के जो नेम होते हैं वो ए टू आई फाइव तक होते हैं और नंबर्स जो होती हैं वो वन टू सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी सिक्स तक होती हैं अ सेल इज अ इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम अ सेल इज आइडेंटिफाइड बाय एन एड्रेस दैट कंटेन्स ऑफ द कॉलम नेम फॉलोड बाय द रो नंबर तो सेल रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाती है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी वर्कशीट की जिसमें हम डेटा बेसिकली एंटर करते हैं सबसे पहले इसमें कॉलम का नाम आता है और उसके बाद रो का नंबर आता है जैसे अगर आप नेम बॉक्स में देखोगे अगर आप कोई भी सेलेक्टिव करते हो तो वो सेलेक्टिव कहलाते कहलाती है जिसमें आप डेटा एंटर कर सकते हो और उसके साथ ही आप जब देखोगे नेम बॉक्स में तो उसका नेम आ रहा होगा जैसे ए वन के टेन आई फाइव तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि इस सेल का क्या एड्रेस है नेविगेटिंग इन अ वर्कशीट द करसर कीज माउस एंड द स्क्रॉल बार कैन बी यूज टू नेविगेट थ्रू द वर्कशीट तो हम कर्सर कीज का यूज़ कर सकते हैं माउस का यूज़ कर सकते हैं स्क्रॉल बार का यूज़ कर सकते हैं वर्कशीट में आगे पीछे मूव करने के लिए एंड मगर ये सारे तरीके बहुत ही इनएफिशिएंट हैं इतनी लंबी रोज़ और कॉलम्स में मूव करने के लिए अगर आप वर्कशीट में मूवमेंट करना चाहते हैं तो ये कुछ कीज़ हैं जिनका आपको यूज़ करना पड़ेगा अगर आप एक सेल अप जाते हैं तो आपको अप आप एरो की यूज़ करनी है एक सेल डाउन जाते हैं तो डाउन एरो की या एंटर प्रेस करना है अगर आप वन सेल लेफ्ट जाते हैं तो आप लेफ्ट एरो की का यूज कर सकते हैं अगर वन सेल राइट जाते हैं तो या तो आप टैप का यूज कर सकते हैं या राइट एरो की का यूज कर सकते हैं ऑफ द वर्कशीट जाने के लिए आपको कंट्रोल को प्रेस रखना पड़ेगा होम की को प्रेस करना पड़ेगा तो जहां पर भी सबसे पहला आपने डेटा फिल करा है ए वन में वहां पहुंच जाएंगे आप एंड ऑफ द वर्कशीट कंट्रोल प्लस एंड जब आप प्रेस करेंगे तो जो भी डेटा आपने बिल्कुल एंड में लिखा होगा चाहे वो कोई भी सेल हो वहां पर आप सीधे डायरेक्टली कंट्रोल प्लस एंड की प्रेस करते ही जंप कर जाओगे एंड ऑफ द रो जाना है तो वही है कंट्रोल प्लस राइट एरो की या एंड की ये भी आप एंड रो पर चले जाओगे एंड ऑफ द कॉलम जाना है कंट्रोल प्लस डाउन एरो की या एंड प्लस डाउन एरो की आप यूज कर सकते हैं एंड ऑफ द कॉलम पर जाने के लिए सेविंग अ वर्कबुक बहुत ही सिंपल है आपको क्या करना है अगर आप सेव करना चाहते हैं फाइल, फाइल मेन्यू पे क्लिक करिए सेव एज ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करिए सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा वहां से सेलेक्ट करिए लोकेशन की कहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं अपनी फाइल को फाइल का नेम दीजिए एक्सटेंशन आपकी बाय डिफॉल्ट शो हो रही होगी सेव बटन पे क्लिक करिए और आपकी फाइल जो भी नाम आपने दिया है उससे सेव हो जाएगी यूजिंग फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस अगर आपको फार्मूलास लिखने होते हैं स्प्रेडशीट में तब आपको स्टार्ट करना होता है हमेशा इक्वल टू के साइन से सपोज़ आपने ए वन में लिखा है थर्टी फाइव और आपने ए टू में लिखा है थर्टी सिक्स आप दोनों को प्लस करना चाहते हैं तब आपको ए थ्री में लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू ए वन प्लस ए टू और एंटर प्रेस करेंगे तो दोनों का सम होकर आ जाएगा तो इसी तरीके से आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं अपनी स्प्रेडशीट में इसके बाद दूसरा तरीका है यूजिंग ऑटोसम फीचर आपको एक सिग्मा का साइन मिलेगा फार्मूला बार के पास ही अगर आप ओपन कैल्क यूज कर रहे हैं तो आपको फार्मूला बार के पास ही मिल जाएगा अदरवाइज अगर आप सिंपल एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देख रहे हैं तो आपको रिबन में ही शो होता है तो वहाँ से आप उस वाले साइन पे टैप कर सकते हो जिस भी सेल में आपको ऑटोसम चाहिए उस जगह पर कर्सर को लाइए उस सेल को एक्टिव करिए उसके बाद ऑटो सम बटन पर टैप कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए सम होकर आ जाएगा कॉपिंग एंड पेस्टिंग फार्मूलाज एंड फंक्शंस आप क्या कर सकते हैं थर्ड तरीका है कि आपने जो फॉर्मूला लिखा है सपोज आपने लिखा इक्वल टू सम और ब्रैकेट में आपने रेंज दे दी कि किस रेंज पर आपको कैलकुलेशन करना है तो आप उस वाले फार्मूला को कॉपी करके किसी और सेल में पेश कर सकते हैं जिससे जो कॉपी होता है फॉर्मूला वो जिस लोकेशन पर कॉपी होता है उसके सेल के एड्रेस को अपने आप ही फॉर्मूला में पुट कर लेता है इसे हम रिलेटिव रेफरेंसिंग कहते हैं कि जिस भी प्लेस पर फॉर्मूला हो उस प्लेस के एड्रेस को वो अपने फॉर्मूला में लगा ले दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग तो आप ये भी कर सकते हैं तो अभी रिलेटिव रेफरेंसिंग मैंने आपको समझाया ही जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं किसी फॉर्मूला को तो जिस भी सेल में आप पेस्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली जब फॉर्मूला चेंज हो जाता है तब उसे कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या है कि आप कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं फार्मूला मगर फार्मूला का कुछ पार्ट है जो फिक्स हो गया है एब्सोल्यूट हो गया है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा चाहे आप किसी भी पोजीशन पे उसे पेस्ट कर दें तब उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूजिंग रेंज नेम इन फार्मूलाज तो कैसे करना होता है पहले तो हमें क्रिएट करने पड़ता है रेंज का नेम तो क्रिएट करना है आपको रेंज का नेम तो आप कैसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं रेंज को रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए इंसर्ट मैन्यू पर टैप करिए वहाँ पर नेम ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करिए आपको एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा वहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है रेंज का नेम तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यूज़ किया है डेटा तो डेटा करके मैं जैसे ही उसे ओके okay करूँगी तो मुझे दिखाई दे जाएगा कि मेरे रेंज का नेम डेटा हो चुका है और उसके बाद अगर मुझे यूज़ करना है उसको तो मैं कैसे करूँगी मैं सिंपली लिखूंगी सपोज मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं लिखूंगी इक्वल टू मैक्स और ब्रैकेट में लिखूंगी डेटा तो जैसे ही मैं ये लिखूंगी मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उस रेंज की वो डिस्प्ले हो जाएगी आज की वीडियो में बस इतना ही मिलती हूँ आपसे फिर वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय सेफ